तो काफ़ी लंबे टाइम तक सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो इस टॉपिक पर वीडियो बना ही देता हूँ। और मुझे पता है कि तुम में से काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो देख लिया होगा, पर अभी भी बहुत सारे हैं जिनको कि इसके बारे में नहीं पता है। तो मित्सुरु के बारे में सोचना बंद करो और वीडियो का एंजॉय लो, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर आज हम बात करेंगे डिमन स्लेयर्स के हाशिराज के बारे में। हाँ, वही हाशिराज जिनका कि कुछ काम नहीं, बस वो डिमन्स के पीछे ऐसे वैसे भागते रहते हैं। पर जापानीज शब्द में हाशिराज का मतलब होता है पिलर या फाउंडेशन, लेकिन डिमन स्लेयर में हाशिराज को टॉप वॉरियर्स के रूप में समझा जाता है। हाशिरा डिमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, जिसमें कुछ समर्पित और काफी शक्तिशाली वॉरियर्स भी होते हैं। ये लोग मेनली डिमन किलर्स के रूप में काम करते हैं, पर कभी कभी इनको नए डिमन स्लेयर्स को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। एक हाशिरा होने का खास बात यह है कि इनको हमेशा रेडी रहना पड़ता है डीमन से लड़ने के लिए। पर इसके अलावा भी सभी हाशिरास के अपने अपने अलग अलग पावर और टेक्निक होते हैं, जिसे कि वो डीमन से लड़ने में यूज करते हैं। हाशिराज अपने यूनिक स्किल्स और पर्सनालिटीज के रूप में मैजिकल पावर और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। उनके लिए डीमन से लड़ना एक चैलेंज है, और चैलेंज को जीतना और डीमन्स को मारने के पीछे उनका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और पैशन देखकर किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। और अगर तुमने तेंजन को ग्योतारो से लड़ते हुए देखा होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे एक हाथ कट जाने के बाद भी ग्योतारो को उसने पानी पिला दिया। इससे तुम एक हाशिरा की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और अभी तो नया सीजन जो कि अगले साल निकलेगा उसमें पूरा मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें ग्योमे की पावर को देखने मिलेगा। और मैं बेसब्र हूँ क्योंकि वो एक अलग लेवल का पावर पोजेस करता है, पर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बैक टू द टॉपिक, हाशिराज का मेन फोकस डीमन स्लेयर कॉर्प्स है। उनको डीमन स्लेयर ट्रेनीज को समय समय पर ट्रेन करते रहना पड़ता है, ताकि सही समय पर डीमन से लड़ने के लिए वो रेडी रहे। ये टॉप वॉरियर्स डीमन स्लेयर कॉर्प्स का खास हिस्सा है, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। जैसा कि तुमको पता है कि कोई भी हीरो हमेशा हीरो नहीं रहता है, वैसे ही हर हाशिरा के हाशिरा बनने से पहले अपनी अलग अलग एक बैक स्टोरी है, जिसमें कि किसी का बाप मरा तो किसी का माँ, किसी का भाई मरा तो किसी की बहन, और किसी का तो पूरा परिवार ही मर गया, लाइक टांजिरो की फैमिली। इन सब के पीछे एक ही रीजन है, ये सारे बावले डीमन, जिनको कि हमारे प्यारे मुजान ने डीमन बनाया है। पर डीमन स्लेयर की ये रिवेंज लेने वाला रीजन ही उनको डीमन स्लेयर बनने और डीमन्स को मारने के लिए उकसाता है। तुम उनकी जगह खुद को रखकर देख सकते हो कि अगर कोई अगर तुम्हारे फैमिली को मारे तो तुम क्या करोगे। बस यही रीजन उनको इतना डेडली और स्ट्रांग बनाता है और डीमन से लड़ने के लिए पावर देता है। तो बस आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। और अगर तुमने डीमन स्लेयर सीजन 3 का रिव्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देखो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने मन की बात जरूर बताना।